बात शुरू करने से पहले हमारे आने वाले नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। जी तो अभी हम मौजूद हैं चाइना एड टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवादर पोर्ट प्रोजेक्ट, और अमेजिंगली मैं जो देख रहा हूँ इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, और जो स्टार्टिंग डेट है इसकी जनवरी 2020 और कंप्लीशन डेट इसकी आ रही है सितंबर 2021। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट कितनी रैपिड और कितनी तेज़ी से जारी है, और ये इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है इसका आपको अंदर से भी दिखाएंगे। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे वो लोकल्स के लिए वो इक्विपमेंट रखा गया है जो शायद हमारे जो बड़े डेवलप्ड जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाहौर और कराची इस्लामाबाद वहाँ पे भी नहीं है। तो अंदर से आपको इसका पूरा ओवरव्यू देंगे, आपको दिखाएंगे कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट तकरीबन 100 अरब पाकिस्तानी रुपया इस पर लगा है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग और इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ इतने कम टाइम में तो लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं बनती, और ये किस तरह से इतना तेज़ी से ये डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और किस तरह से इतनी तेज़ी से ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी है। ये हम मौजूद हैं वेस्ट बे के ऊपर, और यहाँ पे ये तकरीबन वो एरिया है जो फ्री जोन फेज़ टू का एरिया है, और यहाँ पे इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसने भी वहाँ पे अपनी इंस्टॉलेशंस को स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो चाइना का फेज़ टू है फ्री जोन का उसकी भी सारी तैयारियां जारी हैं। और लोकल्स के लिए जो आम तौर पे एक शिकायत होती है कि लोकल्स के लिए काम नहीं किया जा रहा, तो आज आपको ये दिखाएंगे कि ये जो चाइना एड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितना बड़ा काम किया गया है। और लामहाला तौर पे यहाँ पे कोई बाहर से लोग तो नहीं आएंगे, यहाँ पे ये इतना बड़ा जो काम किया गया ये लोकल्स के लिए किया गया है और उन्हीं की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई हमें इस तरह के लोग मिल जाएं जो हमें इसके बारे में पूरा ब्रीफ कर सकें, और इस व्लॉग में हम दिखाएंगे कि किस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अभी बताते चलें कि ये देखें कितना ग्रीन एरिया भी यहाँ पे किया गया है। तो ये इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट जो बिल्डिंग है जो एक सिंबल बनेगी चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का, और चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप में ये सिम्बॉलिकली उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट के तौर पे इसको डेवलप किया है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी इसमें जो है बड़ी मावनत की उन्होंने, और चाइना के साथ मिलके इतनी ज़बरदस्त किस्म की लोकल्स के लिए फैसिलिटी बनाई। तो अभी हम अंदर लिए चलते हैं आपको, और हम देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से हम जो है ना देख सकते हैं कि लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितना बड़ा ये काम किया गया। मुझे तो अपेरेंटली इसकी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अमेजिंग बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, और जो हम देखते हैं अगर इसकी फुटेज ले ले मेरा कैमरामैन, तो ये आप देखें कि ये इसका एक एंट्रेंस के ऊपर ये फुटेज दी गई है, ये दरमियान में एक अहाता सा बना हुआ है और ये फुटेज है, और इसको पूरा सोलर के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। तो ये यहाँ पे मेरा ख्याल है एक हॉस्टल की भी फैसिलिटी होगी बच्चों के लिए। तो हम ज़रा थोड़ा सा अंदर लिए चलते हैं आपको, और पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल ये बिल्डिंग का व्यू जो है वो किस किस्म का है। मुझे तो यहाँ पे ये हैरत हो रही है कि इतने कम टाइम में जो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, ये क्या माजरा है, ये क्यों इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। और लोकल्स के लिए ख़ास तौर पे जो एक बहुत बड़ा शोर सुना जाता है कि लोकल्स के लिए यहाँ पे काम नहीं हो रहा, तकरीबन 100 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए की मालियत से ये इतना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट बना है, और यहाँ पे जो गैजेट्स रखे गए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, और जिस तरह से यहाँ पर इंस्टॉलेशन सोलर की गई हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले करने वाला है आने वाले वक्त में बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ही बताया कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे जो फैकल्टी है वो हायर की है फॉर 3 ईयर पीरियड, ताकि 3 साल में लोकल फैकल्टी को वो ट्रेंड करेंगे, उसके बाद फिर लोकल्स के हैंडओवर कर दिया जाएगा। और वो 3 साल का पीरियड ऐसा भी होगा जो 3 साल में जो पहली खेप होगी बच्चों की, जिनको सिखाया जाएगा, जिनको वो तमाम तर टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, जो कल को इस पोर्ट में एक जो बच्चे बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। और लोकली अभी हमारे सामने एक लोकल यहाँ के सुपरवाइज़र मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये किस किस्म का यहाँ पे ये तैयारियाँ जा रही हैं। ये मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा ओवरव्यू दें, ये कौन से ये जो रूम है ये किस चीज़ के रूम है? ये सर 2 स्टेप में बनाए हुए हैं, ये बेसिकली क्लासरूम है, फर्स्ट में और ग्राउंड में दोनों क्लासरूम है। यहाँ टोटल 10 क्लासरूम है, 5 ऊपर हैं
और 5 नीचे के पोर्शन में है। इसमें से एक कंप्यूटर लैब भी है वो बिल्कुल उस तरफ, और ये बिल्कुल हेडमैन ऑफिस ब्लॉक है, एडमिन ऑफिस ब्लॉक है, नीचे फैकल्टी है और ऊपर जो है ना एडमिन ब्लॉक है। इसके सामने यहाँ पे लाइब्रेरी बनाया हुआ है, बाकी ये वर्कशॉप है, ये टोटल वर्कशॉप है वहाँ तक, और ये कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया हुआ है यहाँ पे। अब बाकी तो ये बताइएगा कि एक क्लासरूम में कितने बच्चों की गुंजाइश है वहाँ पे? सर 40 बच्चे की गुंजाइश है एक क्लासरूम में। 40 बच्चों की गुंजाइश है। तो अभी आप जरा हमें थोड़ा सा विजिट करवाएं कि किस किस किस्म का यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। खास तौर पे हमें वो वर्कशॉप्स में आप लेके जा सकते हैं जहाँ पे जो गैजेट्स हैं रखे हुए हैं, जो मशीनरी रखी हुई है, क्योंकि उसके बारे में मैंने सुना है कि वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये देखें जी, अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो जाता है तो ये एक फर्स्ट एड रूम है, यहाँ पे उसको बच्चे को फर्स्ट एड दी जाएगी और ये प्रॉपर इसके लिए एक रूम को मुख्तस किया गया है। ये वर्क स्टेशन जो आप देख रहे हैं ये क्लैरिकल स्टाफ के लिए वर्क स्टेशन हैं, तो यहाँ पे क्लैरिकल स्टाफ बैठेगा और ये आप देखेंगे यहाँ पे भी प्रॉपर एयर कंडीशनर जो है वो रखा गया है और ये तमाम तर जो है ये सोलर सिस्टम पे ऑपरेटेड है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जी, और यहाँ पे क्लर्क्स बैठेंगे और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बैठेगी। तो ये पीछे एक ब्लॉक हमने देखा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये देखिए वाह वाह वाह, ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त किस्म से, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक्विपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और मैं तो टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे मैंने इतना ज़बरदस्त किस्म का इक्विपमेंट नहीं देखा। ये देखें ये मोटर्स, छोटी छोटी मोटर्स हैं। अच्छा, ये मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग डिवाइस है फॉर पोर्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब ये कि ये एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, एक छोटा सिस्टम जो पोर्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसको सिखाने के लिए कि वो सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है, उसकी एक मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग जो डिवाइस होती है बच्चों को यहाँ पे प्रोटोटाइप में सिखाया जाएगा कि वो किस तरह से इसकी जो है ना ट्रेनिंग करेंगे। और अभी हम अगर इसको देख लें तो ये देखिए ये बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर रखी हुई हैं और मेरा ख्याल है ये उसी मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग डिवाइस का हिस्सा है और यहाँ पे एक एक बच्चा खड़ा होकर इस प्रोटोटाइप पे सीखेगा और वो प्रॉपर यहाँ पे इस प्रोटोटाइप के ऊपर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये इतना स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम, आप ये देखें कि पोर्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोकल बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से की जाएगी, किस तरह से उनको टेक्निकली एजुकेट किया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो आने वाले वक्त में जब पोर्ट की बहुत ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ेंगी और ये जो कमर्शियल हब बनेगा, और हम आम तौर पर जब बात करते हैं कि यहाँ पर इस पोर्ट पर जब प्रॉपर सरगर्मियाँ होंगी और ये पूरे सेंट्रल एशिया को नहीं पूरी दुनिया को सर्व करेगा और सी पैक का गेटवे की हैसियत से, अब आप देख रहे हैं प्रिपरेशंस, तैयारियाँ, किस किस्म की तैयारियाँ जा रही हैं लोकल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ट्रेंड करने के लिए। और जो हम बात करते थे कि ह्यूमन कैपिटल पे काम नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। ये देखें ये इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो है ये इसीलिए लगाया गया कि यहाँ पे लोकल बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। और यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो ये जनरेटर मॉडल है, ये जनरेटर मॉडल है और आप अंदाज़ा करें इसको अगर थोड़ा सा क्लोज शॉट लेंगे मेरे कैमरामैन तो आप देख सकेंगे कि ये 3-phase अल्टरनेटर है, ये जनरेटर मॉडल है, इसी तरह से दूसरी चीज़ें हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से प्रोटोटाइप के ज़रिए सिखाया जाएगा कि वो यहाँ पे इस जो आने वाले वक्त की जो ज़रूरियात हैं उनको वो किस तरह से कैटर करेंगे, किस तरह से वो सीखेंगे और आने वाले वक्त में जब यहाँ पे एक टेक्निकल ट्रेंड एचआर की ज़रूरत होगी तो वो किस तरह से होगी। ये देखिए जी, मोटर एंड ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस ट्रेनिंग इक्विपमेंट, ये उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अगर मोटर एंड ट्रांसफार्मर्स की मेंटेनेंस करनी है तो उसको किस तरह से मेंटेन करना है, कौन से गैजेट को किस तरह से यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल में मैं तो बड़ा हैरान हूँ और मेरे लिए खुशगवार हैरत से ज़्यादा ये कुछ नहीं है कि यहाँ पे इस लेवल की तैयारियाँ जारी हैं कि आने वाले वक्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह से बच्चों को छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स के ज़रिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट माहौल में। और जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि यहाँ पे जो फैकल्टी भी अपॉइंट की जा रही है वो बड़ी ज़बरदस्त फैकल्टी है। तो ये व्लॉग आपको ये बताने के लिए
काफ़ी है कि यहाँ पे लोकल बच्चों की किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, किस तरह से उनके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर उनके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, और ये तकरीबन ये पूरा जो सिस्टम है ये तकरीबन 100 अरब पाकिस्तानी रुपए पे मुश्तमिल है, इतने पैसे की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है। और अभी हम यहाँ से चलेंगे और कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। इसका एक मेरी कैमरामैन टीम जो साथ है वो यहाँ के इसके शॉट्स ले लेगी ताकि आपको इसका डिटेल शॉट्स जो है ना वो दिए जा सकें। जी, तो आपने इस हाल में देखा कि किस तरह से यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोटोटाइप मशीनें पड़ी हुई हैं और मॉडल्स पड़े हुए हैं ताकि पोर्ट एक्टिविटीज़ जब बढ़ेंगी और पोर्ट जब सर्व करेगा पूरी दुनिया को तो किस तरह से बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। अच्छा, कार सिमुलेटर है, जैसे फोकलिफ्टर है और क्रेन ऑपरेटर है, उसका सिमुलेटर बनाया हुआ है। उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब गाड़ी कैसे ऑपरेट होता है, फोकलिफ्टर कैसे ऑपरेट करता है, मतलब सामान वगैरह कैसे लोड अनलोड करना पड़ता है, बाकी और क्रेन में कैसे लोडिंग करते हैं, मतलब कोई सामान कैसे उतारते हैं, उसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मॉडल है और सिखाते भी हैं। और ये क्रेन्स, वो ये देखिए ये सिमुलेटर्स हैं जो फोकलिफ्टर होता है और क्रेन से जब कंटेनर्स उतारे जाते हैं तो उनको किस तरह से जो है ऑपरेट किया जाता है। कि ये पूरी कार की जो वॉक्सवैगन का ये मुझे इस पे लोगो लगा हुआ नज़र आ रहा है और ये पूरा मुझे नज़र आ रहा है कि ये सिमुलेटर है, ट्रेनिंग ड्राइविंग, बेसिकली व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सिमुलेटर है, इंटरेक्टिव एक्टिव एंड पैसिव इंटेलिजेंट व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग जो सिमुलेटर है ये। और इसमें ये सिखाएंगे कि किस तरह से पूरी जो ड्राइविंग की जाएगी और किस तरह से ये पूरा बच्चों को सिखाया जाएगा। और ये बड़ा अमेजिंग है ये गैजेट्स छोटे छोटे मुझे तो बड़ा इम्प्रेस कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की गई है। और ये फोर्कलिफ्टर, मुझे लगता है कि ये फोर्कलिफ्टर को किस तरह से जो है लिफ्ट करना है सामान को और किस तरह से उसको ऊपर नीचे लेके जाना है, और ये बड़ा हाई टेक है। आप ये देखें कि पूरी स्क्रीन लगी हुई है इतनी बड़ी और यहाँ पे ये बच्चों को सिखाया जाएगा। और डेफिनेटली जो बच्चे यहाँ से सीखेंगे मेरा ख्याल है कि वो आने वाले वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक प्रॉपर हम आहंग होंगे और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी। और ये बड़ी अमेजिंग मशीन है, ये है जी आपकी जो बड़ी बड़ी क्रेन्स आपको नज़र आती हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है जब एक शिप आके लगेगा और वहाँ पे किस तरह से क्रेन के ज़रिए वहाँ से कंटेनर उतारना है, लोड करना है, अनलोड करना है और उसकी किस तरह से हैंडलिंग हो सकती है। मुझे तो इसी तरह का ये कोई गैजेट लग रहा है। आप ज़रा प्लीज़ ब्रीफ करेंगे इसके बारे में, आप ज़रा बताइएगा इसके बारे में। कोई सामान मतलब एक शिप आ गया, शिप में क्रेन होते हैं, हज़ारों मटेरियल होते हैं, उसको मतलब क्रेन के ज़रिए कैसे शिप से लोड करके और नीचे कैसे उतारना है, उसके लिए ये सिमुलेटर है ऑपरेटिंग के ज़रिए। जी बिल्कुल, ये आपको जो नज़र आ रही है इतनी हाईटेक मशीन, ये बेसिकली सिमुलेटर है। ये ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को कि उन्होंने किस तरह से एक जहाज़ जब आके लगेगा पोर्ट के ऊपर तो क्रेन्स के ज़रिए उसमें से कंटेनर्स को किस तरह से लोड अनलोड करना है और किस तरह से उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन होनी है। तो ये तो बड़ा अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस है। मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन भी मुझे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लग रही है। मैं आमतौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख वो इतनी जबरदस्त नहीं होती, और खास तौर पे जो मैंने कंप्लीशन टाइम देखा है विद इन वन ईयर, एक साल में इतनी जबरदस्त किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बताता चलूं कि यही वजह है कि अब इतनी बड़ी स्पीड के साथ ये डेवलपमेंट के काम जारी हैं कि आपको बताता चलूं कि विद इन 2 and 3 ईयर आप जब देखेंगे कि जब तक ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीट होता है, इस तरह के बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं आपको नज़र आएंगे कि किस तरह से बड़ी रैपिड किस्म की डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी भरपूर तैयारी है पूरे सेंट्रल एशिया को कवर करने के लिए, पूरी दुनिया को सर्व करने के लिए, ग्वादर को सी पैक का गेटवे बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी है। और वो इसी से पता चलता है कि किस तरह से लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, किस तरह से यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल पे काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हो रही है कि यहाँ पे लोकल बच्चों के लिए ये सारा अरेंजमेंट्स
जारी हैं और उन्हीं की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जो सबसे बड़ी जो बेनिफिट होता है, वो आमतौर पर किसी जगह पर जब प्रोग्रेस होती है, जब किसी जगह पर कोई डेवलपमेंट का काम चलता है, तो वो अल्टीमेटली सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो लोकल्स को होता है और उसके बेनिफिट ज़रूर नीचे तक पहुँचते हैं, लोकल्स तक पहुँचते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ग्वादर की इतनी बड़ी आबादी नहीं है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ग्वादर पोर्ट में अगर टूरिज़्म का काम जिस तरह से बड़ा तेज़ी से यहाँ पे जारी है और जिस तरह से यहाँ पे पोर्ट एक्टिविटीज़ का काम होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकल आबादी के लिए बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी का दरवाज़ा साबित होगा। मैं हमेशा कहता हूँ ग्वादर तो ये हवा का वो दरवाज़ा है जो यहाँ की आवाम को बड़ी प्रॉस्पेरिटी देगी। ये देखें, चाइना एड फॉर शेड फ्यूचर, ये जो स्लोगन है मुझे बड़ा मुतासर किया इसने, चाइना एड फॉर शेड फ्यूचर। तो आप अंदाज़ा कर लें कि चाइना किस तरह से लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है। ये क्या है? ये सर डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है, मतलब स्टूडेंट के लिए डाइनिंग है और यहाँ पे सामने किचन है। तो आप ये देखें कि इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो यहीं पे रहेंगे, हॉस्टल है इधर। तो ये आप देखें कि ये डाइनिंग हॉल है और आप इसकी ज़रा ये देख लें कि किस तरह से ये फर्नीचर, किस क्वालिटी का फर्नीचर है और किस क्वालिटी का डाइनिंग हॉल बनाया गया है, ताकि बच्चे जो यहाँ पे रहेंगे वो यहाँ पे खाना खाएंगे। और मैं अभी आपको किचन की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये है जी किचन, ये किचन है जी जो बच्चों के लिए खाना बनाएगा और उनको सर्व करेगा। ये भी मुझे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट लग रहा है। ये सारी मशीनें आप देख सकते हैं कि ये चिलर है और ये भी मेरा ख्याल है चिलर है, ये फ्रीज़र है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है अभी खाना वाना स्टार्ट तो नहीं हुआ इधर, अच्छा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक आप समझें कि ये पतीले हैं और यहाँ पे ये इस तरह से खाना बनेगा। और मुझे तो इतना किचन की चीज़ों का आइडिया नहीं होता, लेकिन ये मुझे ज़रा कमर्शियल किस्म का किचन लग रहा है, जो कि यहाँ पर क्योंकि बच्चे सौओं की तादाद में होंगे और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये जो है किचन काम करेगा। ये फ्रायर भी है और ये बड़े किस्म का फ्रायर है, छोटा नहीं है। और ये देखिए, ये भी मेरा ख्याल है किचन ही है और यहाँ पे किचन का काम होगा। और ये सारे गैजेट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी जांफशानी के साथ, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से ये पूरा बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये बेसिकली एक साइड पे बॉयज़ हॉस्टल रखा गया है, एक साइड पे ये टीचर हॉस्टल रखा गया है और एक साइड पे गर्ल्स हॉस्टल रखा गया है। तो इसका मतलब है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उतना ही काम होगा जितना लड़कों के ऊपर काम होगा। और ये ज़रा थोड़ा सा मुझे ब्रीफ़ करें, ये बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन के साथ, और अगर हम आगे से थोड़ा सा इसको ले लें तो यहाँ पर ये देखें, ये हॉस्टल की इमारत में हम खड़े हुए हैं और लिखा हुआ है चाइना एड फॉर शेड फ्यूचर। तो ये बहुत बड़ा स्लोगन है लोकल्स के लिए, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता कि आने वाले वक्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और जब पोर्ट एक्टिविटीज़ होंगी उसको पूरा करने के लिए लोकल बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। तो ये ज़रा बताइए, ये ब्लॉक, ये जो कमरे हैं इसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है? नहीं सर, फ़ैन लगे हैं। इसमें फ़ैन लगा हुआ है, एयर कंडीशन। ये कितने कमरे होंगे इसमें जी? ये देखें, एक छोटा सा डाइनिंग रखा गया है, ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है एक कमरे में। और ये देखें, ये फैकल्टी के लिए इस तरह का कमरा है, उसकी सार कैबिनेट है और ये उसका फर्नीचर रखा गया है। और ये चार लोगों के लिए, तीन लोगों के लिए ये एक पोर्शन है, ताकि जो फैकल्टी यहाँ पे आए, अगर वो दूर दराज के इलाकों से भी आती है तो उनको जो है यहाँ पे प्रॉपर एक अकोमोडेशन मिल सके और वो प्रॉपर यहाँ पे रह सकें। तो इसी तरह हम स्टूडेंट्स के भी उस पे जाते हैं, अप एंड डाउन ये दोनों साइड पे रखे गए हैं और मेरा ख्याल है इससे ऊपर भी कैपेसिटी रखी गई होगी कि कल को अगर बढ़ाना पड़ता है सिस्टम को तो वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हम जाते हैं जी, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को किस किस्म की जो अकोमोडेशन दी गई है और जो स्टूडेंट्स इधर आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए वो किस किस्म के माहौल में रहेंगे। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है जी और बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है ये। एक जो कमरा होगा वो किस किस्म का कमरा होगा और वहाँ पे बच्चों को ये बंकर बेड टाइप, ये देखें जी ये रूम है और मेरा ख्याल है ये कितने लोगों के लिए? चार लोगों के लिए जी। तो ये गर्ल्स के लिए रूम है और ये कितने लोगों के लिए? आठ लोगों के लिए। आठ लोगों के लिए ये देखें जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लोगों के लिए ये कमरा है।
और बेहतरीन कमरा है अकोमोडेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त, और ये इसी तरह से लॉकर्स रखे गए हैं, ये 8 ही इसके ये लॉकर्स होंगे और हर लॉकर में वो बच्चा अपनी चीज़ें रख सकता है और इसको लॉक एंड की किया गया है जी। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से फ्यूचर में बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाइना एड के थ्रू दिया गया। हम बहुत दफ़ा यूएस एड का नाम सुनते थे, यूके एड का नाम सुनते थे, यहाँ मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हो रही है कि चाइना एड अपना काम कर रही है और बड़ा तेज़ी से अपना काम कर रही है। अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है कि पूरी बिल्डिंग में जो भी यहाँ पे सिस्टम है, पूरे जो गैजेट्स लगे हुए हैं, जो इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशंस हुई हुई हैं, उसको किस तरह से एक जगह से कंट्रोल किया जाएगा। अभी हम बढ़ रहे हैं ज़रा कंट्रोल रूम की तरफ। आप ये देख रहे हैं कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम है। ये कंट्रोल रूम होगा, यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी से लेके यहाँ पे पूरा ये स्क्रीन्स लगाई गई हैं। और ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये प्रॉपर यहाँ से पूरी कंट्रोल हो रहा है, एक एक जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है यहाँ पे और पूरा कंट्रोल सिस्टम है, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है। और ये फिर पूरी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, अगर आप इधर से पैन करके दिखाएं तो यहाँ पे पूरा मॉनिटर किया जाएगा, बच्चों को मॉनिटर किया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये मेरे ख्याल CCTV भी यहाँ पे चल रहे होंगे, अगर यहाँ पे हम अभी ये हमें चला के दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ CCTV कैमराज होंगे और किस तरह से यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी और यहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठ के किस तरह से पूरे इंस्टीट्यूट को कंट्रोल किया जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये देखें जी, ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे अगर बच्चों को उनके साथ कॉन्फ्रेंस करनी है, यहाँ पे कोई डेलीगेट्स आ गए उनके साथ कॉन्फ्रेंस करनी है, तो ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो मैं तो इसका जो भी सेक्शन देख रहा हूँ, अमेजिंगली अच्छा इंटीरियर, अच्छी प्लानिंग, अच्छे तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें तमाम गैजेट्स को प्लेस किया गया है और मेरा ख्याल है यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है और कंप्यूटर सेक्शन भी है, तो हम वो कंप्यूटर सेक्शन को भी देखेंगे, लाइब्रेरी को भी देखेंगे। तो बड़ा जितना जितना मैं एक्सप्लोर किए जा रहा हूँ इस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, मुझे खुशगवार किस्म की हैरत हो रही है। अच्छा, ये अभी आपको बड़ी ज़बरदस्त हम ये फुटेज दिखाएंगे, ये क्लासरूम ये देखें जी, ये किस तरह से ये क्लासरूम कितना स्टेट ऑफ द आर्ट है। काश हमारे जो लाहौर और कराची और इस्लामाबाद में जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे लगता है कि वो इसकी तकलीद करेंगे। ये क्लासरूम जो हैं, इसके फर्नीचर से लेके तमाम चीज़ें, मुझे ऐसे लग रहा है कि कितने अच्छे माहौल में जब बच्चा बैठा होता है तो उसका खुद दिल करता है कि वो टेक्निकल एजुकेशन भी ले, वो पढ़े भी। और जितने ज़बरदस्त किस्म के क्लासरूम्स हैं बने हुए, मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैरत हो रही है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए ये गवादर की फैसिलिटी को ज़रूर देखें और ये देखें कि कितना स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। और क्लासरूम से लेके यहाँ का जो कॉन्फ्रेंस हॉल, उससे लेके कंट्रोल रूम तक, और जो यहाँ पे जिस तरह से सिमुलेटर्स रखे गए हैं, प्रोटोटाइप्स रखे गए हैं, और ये कंप्यूटर लैब है, ये कंप्यूटर लैब है। और ये देखें जी, ये इसको भी किस तरह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और अगर मैं बैठूँ तो मैं इसके सिस्टम्स भी देख रहा हूँ, बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम हैं, बिल्कुल लेटेस्ट गैजेट्स हैं। और मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं होगा जब ये यहाँ पे बच्चे जो सीखेंगे उनको हम इंटरव्यू कर रहे होंगे। और ये जिस तरीके से यहाँ पे गैजेट्स प्लेस किए गए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ख़र्चा किया गया है और जिस तरीके से यहाँ पे पूरी एक प्लानिंग मुझे नज़र आती है, मैं ये बावसूख अंदाज़ में आपसे ये बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि लोकल्स के लिए, लोकल बच्चों के लिए और जो यहाँ पे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए इससे बड़ा गिफ्ट गवादर के लिए नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह जब पोर्ट पूरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा और सर्व करेगा एक कमर्शियल पोर्ट के तौर पे, तो ये बच्चे जो यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे वो लोकल बच्चे होंगे और वो इसको उसी अंदाज में सर्व कर रहे होंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है जी। तो सारे सेक्शंस जो हमने देखे हैं उसकी तरह ये लाइब्रेरी का भी एक सेक्शन है। तो ज़बरदस्त जी, ये बड़े ज़बरदस्त गैजेट्स इसमें रखे हुए हैं, बस बुक्स नहीं हैं, बुक्स आएंगी तो ये पूरा लाइब्रेरी का एक सेक्शन है, यहाँ पे बुक्स होंगी और यहाँ पे बच्चे बैठ के लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होंगे। तो आप ये देखें कि किस तरह से हर सेक्शन को, ईच एंड एवरी सेक्शन बड़ा वेल प्लान्ड मुझे नज़र आ रहा है,
मुझे लग रहा है कि ये गवादर के लोगों के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए और तमाम टेक्निकल जो एजुकेशन के अदारे हैं और तमाम जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ये बड़ा मिसाली साबित हो सकता है। ज़रूर लोगों को यहाँ विज़िट करना चाहिए और इसकी डेवलपमेंट देखनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो इतने कम टाइम में इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट मैंने अभी तक तो विटनेस नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा तेज़ी से डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी है, बड़ा तेज़ी से लोकल लोगों को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोसेस जारी है। और मैं ये समझता हूँ कि चाइना एड जो काम कर रही है, जो सबसे बड़ा काम गवादर के लिए चाइना ने किया, वो यहाँ का मास्टर प्लान दिया गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अब उस पर, उस मास्टर प्लान के मुताबिक सारी डेवलपमेंट चल रही हैं। और जो सेकेंड जो बड़ा काम मैं देख रहा हूँ, वो यहाँ का ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, और इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट जो लोकल बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। और मेरा ख्याल है कि अब वो दिन दूर नहीं जब गवादर पोर्ट जो है वो दुनिया की नक्शे पे एक इस तरह का पोर्ट बन के उभरेगा, जिनके पास कैपेसिटी भी होगी, हैंडल करने की कैपेसिटी भी होगी, और चाइना और पाकिस्तान मिलके अपनी दोस्ती की बुनियाद को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, जिसको कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत आपने आज देखा और हमने तो इसको विटनेस किया। और मैं ये समझता हूँ कि इस फ्रेंडशिप का ये सबूत आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा संगे मील साबित होगा। अगले किसी व्लॉग में फिर आपके सामने किसी अच्छे स्पॉट को लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।